अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड बटन पर क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस घंटी को दबाना ना भूलें, इससे मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक फौरन पहुंचेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ गाजर गोश्त। उसके लिए मैंने जो सामान लिया है वो ये है। गोश्त लिया है मैंने यहाँ पर 1/2 किलो और उसको मैंने धो के साफ़ कर लिया है। 1 गड्डी मैंने मेथी की ली है और गाजर लिए मैंने 1/2 किलो, उसको मैंने छील कर साफ़ कर लिया है, इसके छिलके उतार लिए हैं। और टमाटर मुझे चाहिए होंगे 1 से 1.5 पाव, तो ये मैंने लिए हैं 5 अदद। हरे टमाटर चाहिए होंगे क्योंकि हमें इसमें खटास लानी है, तो ये इस तरह आधे कच्चे और आधे पके हुए हों। हरे टमाटर लिए मैंने और 1 पाव मैंने प्याज लिए, इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। इस तरह से प्याज काट ली मैंने और 1 टेबलस्पून मैंने अदरक लहसुन के पेस्ट लिया है और 1.5 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच मैंने धनिया पाउडर लिया है और हल्दी लिए मैंने 1/2 छोटा चम्मच और नमक लिया है मैंने हसबे जायका। और ऑयल चाहिए होगा हमें, ये मैंने ओलिव ऑयल लिया है। तो अब हम इसकी तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बर्तन लिया है और इसमें मैं ऑलिव ऑयल डालूंगी तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब। तो आप जब तेल गर्म हो जाए तो आप इसमें प्याज डाल दें। तो प्याज को हमें लाइट ब्राउन करना है, लाइट ब्राउन करने तक हमें इसको चलाते रहना है। तो ये अभी कलर आना शुरू हो गया है इसमें, ये देखें लाइट ब्राउन प्याज हो गई है। हमें बिल्कुल ऐसी प्याज चाहिए। तो यहाँ पर हम डालेंगे गोश्त। तो गोश्त को मैंने धोया हुआ था तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा ऊपर से करके डालूंगी ताकि गोश्त का पानी इसमें ना जाए। और इसमें गोश्त में मैंने 1-2 हड्डियाँ भी ली हैं, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और गाजर गोश्त बहुत अच्छा बनता है, आजकल गाजरें बहुत अच्छी आ रही हैं, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जब आप बनाएंगे तो मेरी रेसिपी से तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो गोश्त को हम थोड़ा कलर चेंज होने तक हम इसे चलाएंगे। ये देखिए गोश्त का कलर चेंज हो गया है। और यहाँ पर मैं अब मसाले डालना शुरू करूँगी। सबसे पहले मैं यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी और इसको थोड़ा मिक्स करेंगे हम। तो जिस तरीके से मैं बना रही हूँ आप सेम इसी तरीके से बनाइएगा। और अब मैं यहाँ पर डालूँगी नमक। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक लीजिएगा जितना आप खाते हैं, मगर मैं तो आपको यही कहूँगी कि आप कम खाएं नमक। और यहाँ पर मैंने हल्दी डाल दी है और हल्दी डालने के बाद लाल मिर्ची पाउडर ये भी डाल दिया मैंने इसमें, और धनिया पाउडर भी हम डाल देंगे। इसमें हम गरम मसाला नहीं डालेंगे, गरम मसाला हम बाद में डालेंगे। और जो मैंने हरे टमाटर काट के रखे हुए थे ये हम डाल देंगे ताकि गोश्त के साथ टमाटर अच्छे से गल जाएं और इसमें टेस्ट आ जाए टमाटरों का। तो टमाटर डाल के हम थोड़ा इसको चलाएंगे और गोश्त गलने तक हम इसे पकाएंगे। इसमें मैं पानी डाल रही हूँ तकरीबन 4 गिलास के करीब, ताकि इसी पानी में गोश्त और टमाटर अच्छे से गल जाए। और इसको हम पकाएंगे तकरीबन 1.5 घंटे तक हम पकाएंगे, थोड़ी कसर रह जाएगी गोश्त में। तो जब हम इसमें गाजर डालेंगे तो इसमें एक उबाल आ जाएगा, तो फिर हम इसको ढककर पकाने के लिए छोड़ देंगे। और यहाँ पे मैंने जो गाजरें छील कर रखी हुई थी उसको हम बीच में से इस तरह कट लगाएंगे, 2 टुकड़े कर लेंगे हम गाजरों के। और इसको हम थोड़ा मोटा मोटा काटेंगे, इस तरह बिल्कुल बारीक नहीं काटेंगे। और इसी तरह से हम सारी गाजरों की कटिंग कर लेंगे। देखिए मैं इस तरह गाजर काट रही हूँ। तो जितना हमने गोश्त लिया है उतनी हमें गाजर लेनी है। देखिए इतनी मैंने स्लाइस में काटा है इसको। और यहाँ गोश्त को पकते हुए 1.5 घंटा हो गया है और गोश्त को हम चेक करते हैं कि कितना गोश्त गला है हमारा। तो इसको हम छुरी की मदद से हम चेक करेंगे क्योंकि गर्म बहुत है। तो इसमें थोड़ी सी कसर है, तकरीबन 10-15 मिनट में ये बिल्कुल गल जाएगा गोश्त। तो यहाँ पर हम गाजर डाल देंगे ताकि इसी पानी में गाजरी भी गल जाए। और इसको हम 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे।
ढक कर हम पकाएंगे इसे, थोड़ा हम चला लें इसको। और गाजरे क्योंकि हमें ज़्यादा बिल्कुल नहीं गलानी, बिल्कुल हमें ऐसे खड़ी रखनी है, तो 10 मिनट बाद आपको दिखाती हूँ मैं। ये देखिए इसको पकते हुए 10 से 15 मिनट हो गए, और ये देखिए इसका गोश्त का पानी खुश्क हो गया है और गाजरों का भी पानी खुश्क हो गया है। तो अब हम डालेंगे यहाँ पर जो मैंने मेथी तोड़कर रखी हुई थी, इसको मैंने अच्छे से धो के साफ़ कर लिया है। एक गड्डी जो मैंने मेथी की ली थी ये हम डाल देंगे। ये अभी मेथी ज़्यादा लग रही है, मगर अभी डलने के बाद इसमें बिल्कुल थोड़ी सी हो जाएगी, बहुत जल्दी मुरझा जाती है। और इसको हम तकरीबन 4 से 5 मिनट हम पकाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। और इसको बनाने में मुझे तकरीबन 1.25 घंटा लगा इसको बनाने में। तो ये देखिए मैंने मेथी डालकर मिक्स कर दिए, देखिए कितनी थोड़ी सी हो गई। और अब मैं इसको ढककर पकाऊंगी 5 मिनट, और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें, मेथी डालते ही बहुत अच्छी खुशबू आने लगी। तो मैं इसको ढक दूंगी अब। पाँच मिनट हो गए और ये देखें इसके ऊपर से रोगन आ गया है, तो इसका मतलब है हमारी गाजर गोश्त का जो सालन है बिल्कुल तैयार है। और इसे अगर आप थोड़ा सा आप इसे पतला रखना चाहते हैं तो इसको बिल्कुल इस तरह उतार दें, वरना आप इसको और थोड़ा ड्राई कर दें। यहाँ पर मैंने 3 से 4 अदद हरी मिर्ची डाली है, ये बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो 3 से 4 अदद हरी मिर्ची डालकर हम थोड़ा सा चला लेंगे और गाजर गोश्त हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है और बहुत ही टेस्टी बना है। और अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ इसमें गरम मसाला पिसा हुआ, ये मेरे घर का बनाया हुआ गरम मसाला है। इसकी रेसिपी इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी, बहुत अच्छा ये बनता है गरम मसाला। तो आप जब भी खाना बनाएं इसमें थोड़ा सा डाल दें, बहुत अच्छी खुशबू आती है इससे और खाने का टेस्ट भी दुबला हो जाता है। और यहाँ पर मैं डिश आउट करूँगी इसे, और आप इसे गरम गरम चपाती के साथ खाएँ या पराठे के साथ खाएँ, बहुत ही मज़ा देगा आपको। और इंशाल्लाह आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी रेसिपी पे आप कमेंट्स करें और अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, और मुझे आपकी कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। अगर आपको कुछ रेसिपी आपको बनवानी है तो ज़रूर आप मुझे बताएँ, ताकि मैं उसको बना के आपको मैं रेसिपी दे सकूँ। और इंशाल्लाह मैं आपकी फरमाइश ज़रूर पूरी करूँगी। मेरे पास 2-3 जो फ्रेंड्स हैं उनकी फरमाइश आई हुई है, इंशाल्लाह ताला मैं उसको ज़रूर पूरा करूँगी। अभी थोड़ा मुझे वक्त नहीं मिल रहा। और ये देखिए हमारा गाजर गोश्त कितना अच्छा लग रहा है और खाने में भी बहुत टेस्टी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर आप मुझे बताइएगा, मुझे आपकी कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।